और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि डायमंड शॉप में चोरी की घटना सामने आई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जयपुर से। जयपुर के डायमंड शॉप में डकैती हुई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। करीब 90 लाख के डायमंड और रुपए चोरी हुए हैं, ये बड़ी जानकारी। डायमंड और रुपए लेकर बदमाश फरार हुए, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। दो शातिर बदमाशों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है और ऐसे में दिन दहाड़े आपको बता दें कि चोरी की घटना सामने आई है। तो डायमंड शॉप पे ये चोरी हुई है, जहां पर 90 लाख रुपए के डायमंड और इसके साथ ही कैश चोरी हुआ है। तो ऐसे में अब ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन का खौफ बदमाशों में नहीं है। दिन दहाड़े बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और बेहद आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। जयपुर के डायमंड शॉप में ये डकैती हुई है, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त ही करीब 90 लाख के डायमंड और रुपए चोरी हुए हैं, ये जानकारी मिल रही। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन किस तरह से यहां पर सन्नाटा पसरा है ये जरा देखिए। डायमंड शॉप में चोरी की वारदात होने के बाद से लोग दहशत में हैं। जो यहां पर कर्मचारी थे, जो काम करते थे, वो दहशत में है। तो जयपुर के डायमंड शॉप में ये डकैती हुई है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है, ये डायमंड शॉप कहां पे है, चोरी की घटना कहां हुई है, पुलिस अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल, जयपुर के जो ब्रह्मपुर थाना इलाका है माउंट रोड, वहां पर ये जगदीश कॉलोनी में डायमंड की शॉप है, जहां पर 90 लाख रुपए के डायमंड और कुछ नकदी है वो साथी डके थे, वो चुरा कर ले गए थे। उन्होंने दुकान का शटर काट कर डायमंड चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया। पूरे बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने है, जिसमें दो साथी बदमाश दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने के बाद जो पुलिस है, ब्रह्मपुर थाना पुलिस, वो मौके पहुंची और उसके अलावा डीसीपी नॉर्थ है, जो पुलिस देशमुख समेत जो एफएसएल टीम है, वो मौके पर सख्त जुटा रही है। एफएसएल टीम जो शॉप है वहां पर पूरे तरह से कह सके फिंगरप्रिंट ले रही है। उसके अलावा जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश है उनकी तलाश कर रही है। जी विशाल, ऐसे में अभी आपने जिक्र किया कि शटर काट के चोरी की गई है, क्या जिस वक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त ये डायमंड शॉप बंद था? बिल्कुल, आज रविवार है, ऐसे में जो वहां पर काम करने वाले हैं वो भी नहीं थे। उसके अलावा जब कल यहां से गए थे, ये अपने घर की ओर लौटे थे, तो एक तरह से कहें कि लोग दे दिया गया था, क्योंकि यहां पर डायमंड काटने का काम चलता है, जिसके चलते ज्यादा इतनी गहमा गहमी नहीं देखने को मिलती। एक तरह से कहें कि फैक्ट्री नुमा ये पूरा शॉप था, बड़ा लंबा शॉप था, जिसमें ये पूरा जो कई कर्मचारी वो काम करते थे, लेकिन इसका फायदा उठाकर जब कर्मचारियों नहीं थे, उसी दौरान इन्होंने करीब 90 लाख रुपए के डायमंड है वो पार कर लिए। अब पुलिस का सबसे बड़ा टारगेट ये होगा, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जो दुकान मालिक नावेद भाई नाम बताया जा रहा है, उसने पुलिस को शिकायत दी और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगाए, उसी आधार पर साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं विशाल, ऐसे में उन फुटेज को देखने के बाद क्या पुलिस को अंदाजा लग पा रहा है ये बदमाश कौन हो सकते हैं, क्योंकि दो बदमाश दिन दहाड़े इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, पूरी वारदात दिन की नहीं है बल्कि रात की है, अल सुबह करीब 3 और 4 बजे के बीच की वारदात बताई जा रही है, जिसके आधार पर पहले पुलिस लोकल थाना, जैसे कि ब्रह्मपुरी थाना है, वहां पर वो एक तरह से कहे कि कागजात खंगाले कि क्या इनका पहले रिकॉर्ड है, या स्थानीय आसपास के जो चोर हमेशा कहीं ना कहीं कोई वारदातों में शामिल होते हैं, पहले उनसे संपर्क किया जाएगा, कौन सी गैंग है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने तेज कर दी है और नाकेबंदी करवाई गई है, और जगह जगह पर जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके आधार पर अलग अलग थाने उनको सर्कुलर किए, जो साथ ही जो चेतक वाहन है उनको सर्कुलर किए, और उसके आधार पर जो पहचान जिससे कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, उन चेहरों के आधार पर पुलिस का ये होगा कि सबसे पहले उन साथियों तक पहुंचा जाए, नहीं तो क्या पता वो आगे इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये माल कहाँ सप्लाई करने जाए, उसको देखना होगा। और जब चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था, तब उनको सीसीटीवी कैमरे की भनक थी, और उसके बाद उन्होंने एक बार के कैमरे में जैसे ही प्रवेश किया, मुंह ढका हुआ था, सिर पर कैप पहनी हुई थी, और उसके बाद कैमरों को एक तरह से कहेगी उसका एंगल चेंज कर दिया और कैमरे का फेस है वो ऊपर की तरफ कर दिया, जिसके चलते वारदात का लाइव फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन जब प्रवेश करते हुए के दोनों आरोपी हैं वो जरूर कैमरे में कैद हुए हैं। जी ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए विशाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।